नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी और मैं हूं दीपक कुमार तिवारी। प्रस्तुत है पब्लिक न्यूज टीवी पर बिहार की प्रमुख खबरें। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना जिला के अंतर्गत बाढ़ में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे जीवन भर बाढ़ के लोगों को नहीं भूलेंगे, उनकी प्रतिबद्धता सबों के प्रति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। आज जो बन गया है सामुदायिक भवन, तो आप देख लीजिए कि मीटिंग हॉल बड़ा हो गया और उसमें वही हम देख करके कहे थे कि ये सब काम होना चाहिए। और फिर उसमें 9 सुसज्जित कमरे हैं, किचन का भी निर्माण किया गया है, तो हर तरह से यहाँ पर काम हो सकता है। लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, वैवाहिक कार्यक्रम हो सकता है, जो वहाँ पर आएंगे रात्रि विश्राम कर सकते हैं, मतलब सब तरह का सुविधा होगा और कितनी सहूलियत हो जाएगी। और ये सभागार भवन बन जाएगा तो और कितनी सुविधा होगी वहाँ पर कि लोगों को, बाढ़ के लोगों को सहूलियत होगी। और अभी इस बीच उत्तर बिहार में बाढ़ की तबाही जारी है। कई जिला क्षेत्रों से लगातार नदियों के जलस्तर में फिर से वृद्धि की खबर सामने आने लगी है। मुजफ्फरपुर जिले में बागमती के बाद अब बूढ़ी गंडक नदी भी कहर बरपा रही है। मुजफ्फरपुर जिले के कई प्रखंडों में बूढ़ी गंडक का पानी फैलता जा रहा है। कई परिवार घर छोड़कर ऊंचे स्थलों पर शरण ले लिए हैं, जबकि इससे पहले भी बूढ़ी गंडक की बाढ़ की वजह से हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं। इधर खबर मिल रही है कि मुरौल प्रखंड के मोहम्मदपुर गांव एवं आसपास के इलाकों में भी बूढ़ी गंडक नदी का पानी फैलता जा रहा है। लोग ऊंचे स्थलों पर शरण लेने के लिए विवश होते जा रहे हैं। उधर समस्तीपुर के पूसा में भी तटबंध पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड क्षेत्र में भी बांध के कमजोर होने की वजह से लोगों में बेचैनी बढ़ी हुई है। लगातार यहां रतजगा की जा रही है। हालांकि दो दिन पहले जहां बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर स्थिर हो गया था, लेकिन एक बार फिर से जलस्तर में वृद्धि की वजह से इलाके के लोगों में हड़कंप बढ़ता जा रहा है। इधर चंपारण के सुगौली से खबर मिल रही है, जहां सिकरहना नदी लगातार कटाव तेज कर दिया है, जिसके वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। सुगौली में बड़ी मुश्किल से चंदा इकट्ठा करके बना शिव मंदिर को नदी की तेज धारा अब काटने लगी है। बाढ़ के बाद अब यहां कटाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कोठीगामा में सिकरहना नदी के धारा गांव की तरफ मुड़कर कटाव तेज कर दिया है, जिससे गांव के लोग दहशत में हैं। समस्तीपुर के ताजपुर में महीनों से दर्जनों की संख्या में घरों में बारिश का पानी जलजमा बनाकर रखा हुआ है, जिसकी वजह से गृह स्वामियों में भारी परेशानी है। कोल्ड स्टोरेज चौक पर आज इसके खिलाफ 3 घंटे तक जाम किया गया। लोगों ने नारेबाजी की, विरोध में प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप था कि ताजपुर बाजार में थाना रोड, कॉलेज रोड, हॉस्पिटल रोड, डाक बंगला रोड, शंकर टॉकीज समेत कई इलाकों में जलजमाव की वजह से लोग परेशान हैं। महीनों से घरों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। जल निकासी को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लिहाजा इलाके के लोगों ने आज NH-28 को मुसरी घरारी मुजफ्फरपुर पथ में कोल्ड स्टोरेज चौक ताजपुर के पास जाम कर दिया। 3 घंटे तक यहां यातायात बाधित रही। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां साल 2018-19 का रसीद और LPC निर्गत होने के बावजूद रसीद काटने के नाम पर हजारों रुपए की वसूली से संबंधित शिकायत सामने आई है। इस मामले में आवेदक रघुनाथ दास ने कटरा प्रखंड के धनौर पंचायत के कर्मचारी के अटर्नी के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने गाली गलौज एवं मारपीट का भी आरोप लगाया है। अपर समाहर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक इस मामले की शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि यदि उनके मामलों पर सुनवाई नहीं की गई तो वे आत्मदाह करने पर विवश होंगे। यह अलग बात है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से ही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बनाए गए हैं और उनके गृह जिला में इस तरह की शिकायत अपने आप में भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी, हमारा नाम जो है रघुनाथ दास, पिता अघुनु दास, मौजे धनौर टोला दरगाह को निवासी हूँ। मेरा 18-19 तक को रसीद भी कटा है, LPC बन चुका है। मैं कर्मचारी को जो है दलाल जो है शिव कुमार राम, पिता स्वरूप राम, वो जो है कर्मचारी को दलाली करते हैं, वह वर्तमान सरपंच है। वो हम रसीद कटाने गया तो हमारा कहा कि जो 10,000 रुपया घूस देगा
तो हम कार देंगे। तो हमने कहा कि गरीब आदमी हम कहाँ से देंगे, तो वह के किया जो है हमारा जमाबंदी पर लाल कलम से लिख दिया और घेर दिया, कहा कि आपको कभी भी रसीद नहीं कटेगा। और हमने कर्मचारी को कहा तो वो भी हमको गाली गलौज दे करके थप्पड़ मार के भगा दिया गया। कलेक्टर साहब को दिया आवेदन, मगर उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मैं गरीब बुजुर्ग हूँ, मेरा इस पर कार्रवाई नहीं होगा तो मैं प्रखंड में जा करके मैं आत्मदाह कर लेंगे। समस्तीपुर जिले में ट्रक की चकमा से इंडिगो कार बूढ़ी गंडक नदी में जा गिरी। इस हादसे में चालक सहित 3 सवार बाल बाल बच गए, लेकिन यह फिल्मी अंदाज में हुई घटना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। समस्तीपुर जिले में विभूतिपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां रोसरा समस्तीपुर के मुख्य पथ पर SH-88 पर यह हादसा हुई। बूढ़ी गंडक पर बने हुए पुल से पश्चिम एवं सिंहिया घाट बाजार से पूर्व शमशान घाट के समीप रोसरा से समस्तीपुर की तरफ जा रही थी यह कार, तभी यह हादसे का शिकार हो गई। मुंगेर जिला के तारापुर में अनुमंडल अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधर रही है। अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया था। पिछले 4 दिनों पहले इस मामले में सुधार का निर्देश दिया गया था, इसके बावजूद भी यहां व्यवस्था में सुधार नहीं हुई है। चिकित्सा कर्मियों एवं चिकित्सकों का यहां देर से आना जारी है, इनकी मनमानी से आम लोग परेशान होने लगे हैं। तारापुर के थाना परिसर में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान कई मामलों की सुनवाई की गई, कई मामले का ऑन द स्पॉट निपटारा भी किया गया। कल्याणपुर प्रखंड के माली नगर पंचायत के मनरेगा भवन में आज स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी जोर दिए गए। युवाओं के द्वारा इस कार्यक्रम में काफी भूमिका निभाई गई। किशनगंज में 4 सालों से वार्ड सचिवों को मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर आज वार्ड सदस्य नाराज हो गए। नाराज हुए वार्ड सदस्यों के द्वारा आज किशनगंज के सर्किट हाउस में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और आंदोलन की चेतावनी दी गई। वार्ड सदस्यों ने कहा कि सरकार के 7 निश्चय योजना को धरातल पर उतारने में उनका अहम योगदान रहा है, बावजूद उन लोगों के मानदेय का भुगतान नहीं होना उनके परिजनों के बीच भूखमरी जैसे हालात को ला दिया है। मधेपुरा में ऑटो पलटने से आज 1 दर्जन लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद सभी घायलों को पास के चौसा PSC में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दरअसल जिले के कुमारखंड थाना क्षेत्र के कांकर बिशनपुर गांव से भागलपुर के कुप्पा घाट में गंगा स्नान करने के लिए सभी जा रहे थे, तभी ये हादसे के शिकार हो गए। उधर मधुबनी जिला क्षेत्र में गैंगवार की एक घटना हुई है, जिसमें एक को गोली मार दी गई। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र का यह मामला है। हेरिटेज हॉस्पिटल में एक युवक को गोली मार दिया गया। बताया जा रहा है कि गैंगवार की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि अपराधियों का ग्राफ इस इलाके में लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन अपराधियों के द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, बावजूद पुलिस अधिकारियों के द्वारा इन पर कार्रवाई नहीं होने से अपराधियों का मनोबल इस इलाके में लगातार बढ़ता जा रहा है। नालंदा में आज 2 दिनों से लापता एक महिला का शव नदी में बरामद किया गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। दहशत के बीच परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने दहेज के लिए महिला की हत्या का आरोप लगाया है। शव को निकालकर मामले की तफ्तीश में स्थानीय थाने की पुलिस जुट गई है। नालंदा में कार्यपालक सहायकों का सरकार की नीतियों के खिलाफ आज विरोध में प्रदर्शन किया गया। दरअसल नालंदा में सभी प्रखंडों के 312 कार्यपालक सहायकों की नौकरी पर संकट गहराने लगा है, जिसके खिलाफ इनमें नाराजगी है। गौरतलब है कि संविदा पर आयोजित सभी 312 कार्यपालक सहायक को बेल्ट्रॉन के माध्यम से दक्षता परीक्षा के लिए फरमान जारी किया गया था। हालांकि बेल्ट्रॉन के द्वारा जारी किए गए दक्षता परीक्षा का सभी सहायकों ने बहिष्कार किया है। इधर समस्तीपुर में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह राजद के दरभंगा प्रमंडल प्रभारी शिव चंद्र राम ने कहा है कि बढ़ती हुई महंगाई और गिरती हुई कानून व्यवस्था को लेकर उनके नेता तेजस्वी यादव काफी चिंतित हैं और महागठबंधन के नेताओं के साथ मीटिंग कर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इसके तहत 18 जुलाई को समस्तीपुर प्रखंड कार्यालय और 19 जुलाई को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। यदि महंगाई कम नहीं हुआ तो सड़क से लेकर सदन तक महागठबंधन के नेता आंदोलन करेंगे। कार्यकर्ताओं का साथ होगा, आम लोग भी साथ होंगे। जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने नए COVID-19 टीकाकरण केंद्र का आज उद्घाटन किया। नालंदा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्थानीय साई मंदिर में रोटरी क्लब बिहार शरीफ के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जहां विधिवत DM के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जो हम लोगों का टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है और 6 माह में 6 करोड़ जो हम लोगों को करना है, इसके तहत में
अभी पूरे नगर निगम क्षेत्र में करीब 67% लोगों ने टीका ले लिया और लगातार इसमें जो हमारे सामाजिक संगठन है उनका काफी सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर आज जो है रोटरी की तरफ से लगाया गया है कैंप, इसमें हमारे सभी रोटरी के सम्मानित यहाँ पर पदाधिकारी हमारे बीच में मौजूद है।